नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दो लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी टनल का शुभारंभ कर कश्मीरी युवाओं को टेररिज्म की जगह टूरिज्म अपनाने की अपील की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन मोदी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए एक बार फिर कश्मीरियत को मुद्दा बना चुनावी रैलियां कर रहे हैं। देखिए हमारे इंडिया फर्स्ट के श्रीनगर संवाददाता फिरदौस अहमद डार की एक खास रिपोर्ट। करीबन करीबन दो घंटे लगेंगे और वहां भी आवाम इंतजार कर रहा है। आज ये सवाल नहीं है कि टनल बनेगी या नहीं, रास्ता चौड़ा होगा या नहीं। आज सवाल है कि हम अपनी कश्मीरियत को जिंदा रख सकेंगे या नहीं। क्या हम लोग इस रियासत की हिफाजत कर सकेंगे या नहीं। वो ताकतें जिनसे हमने हर वक्त लड़ा है, आज ही नहीं, शेर कश्मीर ने हर वक्त इन ताकतों से लड़ा है जो इस रियासत को मदगम करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। कश्मीर में उपचुनाव के ताजा अपडेट और सियासी हलचल जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे श्रीनगर संवाददाता फिरदौस अहमद डार से। फिरदौस, किस तरह की सियासी तस्वीर इस समय आप बनती देख रहे हैं? अगर बात 2014 की करें तो एनसी डेवलपमेंट को अपना चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार सब चीजें छोड़कर एनसी कश्मीरियत को अपना चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है। हालांकि इनके सपोर्ट में कई दिग्गज नेता जिनमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आज़ाद और हाल ही में पीडीपी से भागे हुए विधायक तारिक हमीद करा का नाम शामिल है। अब देखना यह है कि इस चुनावी मैदान में 9 तारीख को कौन बाजी मारता है, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं फिरदौस डार, इंडिया फर्स्ट, श्रीनगर। 2016 में खाली हुए इन दोनों लोकसभा सीटों पर पीडीपी का ही कब्जा था। मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा पीडीपी के बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाए जाने के खिलाफ पिछले साल 2016 में पीडीपी नेता तारिक हामिद कर्रा ने श्रीनगर लोकसभा और पार्टी पीडीपी दोनों से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर उपचुनाव और देश भर की ताजा तरीन अपडेट के लिए लॉग इन करें इंडिया फर्स्ट .online पे।